नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, PCS और प्रवक्ता दोनों परीक्षाएँ जो कि आपके लोक सेवा आयोग से होने वाली है, यानी लोक सेवा आयोग से होने वाली ये दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो कि जून में आयोजित होनी थी, यह देखिए नोटिस जारी करके कल देर शाम आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया। लिखा है, सर्वसाधारण को यदि सूचित किया जाता है, कोविड-19 के आसन्न संकट के दृष्टिगत जून माह में दिनांक 13/6/2021 व 20/6/2021 को क्रमशः आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवत अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 एवं प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 को स्थगित किया जाता है। उक्त परीक्षाओं की अग्रिम तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। इस तरह से लोक सेवा आयोग से होने वाली यह दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी रद्द कर दी गईं। कुल अब तक 5 परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं, जिससे कि आयोग के परीक्षा कैलेंडर पर प्रभाव पड़ेगा और नया कैलेंडर बनाना पड़ेगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, लोक सेवा आयोग से ही संशोधित सॉफ्ट कॉपी निदेशालय भेजी। कोरोना संक्रमण के बीच UPSC एलटी ग्रेड चयनितों के पक्ष में आया एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान हिंदी विषयों में चयनित का मामला। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान और हिंदी के चयनितों की संशोधित सॉफ्ट कॉपी शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। कोरोना संकट के बीच लोक सेवा आयोग की ओर से सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग के लगभग 787 और महिला वर्ग के 797 और हिंदी पुरुष वर्ग के 418 एवं महिला वर्ग के 540 चयनित अभ्यर्थियों की सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज दी गई है। अब आगे की कार्यवाही वहीं से की जाएगी। इसके लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान व अनिल उपाध्याय आदि महोदय लोग मन से लगे रहे शुरू से, और उन्हीं लोगों की मेहनत का यह नतीजा है कि कार्य इसमें प्रगति भी है, किसी तरह जो है सॉफ्ट कॉपी भी भेजी गई। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही एलटी ग्रेड परीक्षा से संबंधित। अगली सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है, DSSSC के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है, यानी जो दिल्ली से TGT PGT DSSSC द्वारा निकाली जाती है, उसकी सूचना आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाई हुई है। कल यानी 12 तारीख को, यानी 12 मई को यह जो है नोटिस जारी करके, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आयोग ने अलग अलग पदों हेतु TGT तथा प्राइमरी और नर्सरी विद्यालयों हेतु अध्यापकों के लगभग 7000 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। लिखा है, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने TGT समेत 7000 से अधिक पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में DSSSC ने बुधवार को विज्ञापन जारी कर दिया। DSSSC विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। अभ्यर्थी 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिया है DSSSC की वेबसाइट dssb.online.nic पर आवेदन किया जा सकता है, और इस पे आवेदन 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जो कि 24 जून तक रहेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके DSSSB से। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ी, जुलाई तक खत्म होगी। उम्मीद है कि जो ये कोरोना संकट है वह जुलाई तक कंट्रोल में आ जाएगा। वैक्सीनेशन आदि कार्य चल रहा है, जिसका प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। धीरे धीरे जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर आज के समाचार पत्रों में यह सूचना प्रमुखता से छाई हुई है कि जो कोरोना की दूसरी लहर है अब धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी है। हालाँकि इसने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि अपने अंदर समाहित कर लिया, वो समाप्त हो गए सिर्फ कोरोना संक्रमण के जाते, यानी उनकी मृत्यु हो गई। आगे दिया है, शिक्षक भर्ती आंसर की पर याचिकाएं खारिज। यह सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो
याचिका डाली गई थी आंसर की को लेकर के, वह खारिज की कर दी गई है। लिखा है, आपत्तियों को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की आंसर की जारी होते ही चुनौती देना फैशन बन गया है। बिना ठोस आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, जो भर्ती प्रक्रिया को विलंबित करता है। कोर्ट ने याचिकाएं निरस्त करने की बात करते समय यह बात कही। आगे कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि माना जाता है कि आंसर की सही है और कोई भी उसे गलत साबित करना चाहता है तो अधिकृत दस्तावेजों के साथ गलत साबित करे। कोर्ट ने कहा कि 8 मई 2020 को उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आपत्तियां जताई और आंसर की को चुनौती दिया था। हालांकि यह अभी खारिज हो गई, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में निराशा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, रीट परीक्षा 2021 से संबंधित। राजस्थान सरकार ने देश भर में कोविड-19 के कारण रीट परीक्षा 2021 फिर से एक बार स्थगित कर दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के राजस्थान पात्रता परीक्षा को 20 जून 2021 को आयोजित होने वाली थी, स्थगित कर दी गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह टोडा सर ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 जून को परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है, कोविड संक्रमण के कारण यह जो है निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी एक बार रीट की परीक्षा निरस्त हो चुकी है, रद्द कर दी जा चुकी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल करिए 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति, करीब 64,000 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मंडलीय सहायक निदेशकों को प्रभारी नियुक्त किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भी विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों को दस्तावेज सत्यापन जल्द करने के लिए पत्र लिखा है। शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के बाद ही उनका वेतन जारी हो सकेगा। तो उनका वेतन रुका है, जिसको जारी होने के लिए उनका उनके दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शुल्क भरपाई के लिए नैक और NBA की ग्रेडिंग की अनिवार्यता होगी खत्म। कोरोना संक्रमण के दौर में निजी विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में शुल्क भरपाई के लिए नैक और NPA की ग्रेडिंग की अनिवार्यता वर्ष 2024-25 तक छूट दे दी गई है। शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में 2020-21 से निजी विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थाओं के लिए क्रमशः नेशनल एसमेंस यानी नैक और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेटिंग NPA की ग्रेडिंग अनिवार्य कर दी गई थी। प्रदेश में 28 निजी विश्वविद्यालय हैं, इनमें से सिर्फ 5 के पास ही नैक की ग्रेडिंग है। तो इस तरह से अब यह जो अनिवार्यता है वो अभी ख़त्म कर दी गई है, जो कि कोरोना संक्रमण आदि के देखते हुए निर्णय लिया गया है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।